आइए साथियों, चौनी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इंदौर संभाग का एक महत्वपूर्ण आदेश प्रसारित हुआ जिसका अवलोकन करते हैं। आइए, अगर आपके द्वारा हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर के पत्र क्रमांक योजना 2022/2802 इंदौर दिनांक 11/4/2022 प्रति है समस्त प्रचार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अब्लिक हाई स्कूल जिला इंदौर, विषय है तृतीय सम्मान वेतन हेतु विकल्प अब्लिक वचन पत्र भरने बाबत, संदर्भ दिया हुआ है संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर संभाग इंदौर का आदेश क्रमांक स्थापना 1/2022/785 दिनांक 6/4/2022 के संबंध में। आइए हम देखते हैं इस पत्र में क्या दिया हुआ है। तो उपरोक्त विषय में लेख है कि संदर्भित आदेश के द्वारा जिले के कतिपय लोक सेवकों को तृतीय समयमान वेतनमान देना स्वीकृत किया गया है। इस आदेश में उल्लिखित लोक सेवकों को तृतीय समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण के पूर्व वेतन विकल्प और वचन पत्र भरकर जमा करना है। वेतन विकल्प एवं वचन पत्र का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। संबंधित लोक सेवकों 2 दिवस में वांछित विकल्प अब्लिक वचन पत्र प्रस्तुत करें ताकि तदनुसार वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जा सकेगी। इस पत्र में संलग्न किया हुआ है कि आपको वचन पत्र या विकल्प किस प्रकार से भरना है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर, विकल्प का प्रारूप भी देखिए आप। तो विषय दिनांक 1/7/2014 से संशोधित वेतन संरचना में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति क्रमोन्नति या समयमान दिए जाने की स्थिति में वेतन निर्धारण के लिए विकल्प है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग इंदौर के आदेश क्रमांक स्थापना 1 समयमान वेतनमान आदेश 2022/785 दिनांक 6/4/2022 के द्वारा तृतीय समयमान वेतनमान दिए जाने के लिए फलस्वरूप संशोधित वेतन निर्धारण के लिए निम्नानुसार विकल्प प्रस्तुत है। का संशोधित वेतन संरचना में निचले लेवल में वेतन वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद उच्च ग्रेड अब्लिक लेवल में मेरा प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जावे, अथवा खा है इसका कि पदोन्नति अब्लिक क्रमोन्नति अब्लिक समयमान वेतनमान दिए जाने की दिनांक को संशोधित वेतन संरचना में उच्च ग्रेड अब्लिक लेवल में मेरा वेतन पुनर्निर्धारित कर दिया जावे। हस्ताक्षर और यहाँ अधिकारी कर्मचारी के नाम, पदनाम और विभाग का नाम यहाँ प्रति हस्ताक्षर हो जाएंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा जिस कार्यालय में आप कार्यरत हो, तो इस प्रकार का यह प्रारूप। वचन पत्र देखें आप, तो वचन पत्र किस प्रकार का रहेगा। तो मुझे यह ज्ञात है कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग इंदौर के आदेश क्रमांक स्थापना 1 समयमान वेतनमान आदेश इंदौर /2021/24/11 दिनांक 28/10/2021 द्वारा तृतीय समयमान वेतनमान के परिपालन में शासन नियमों एवं प्रावधानों के अंतर्गत मेरा जो वेतन नियतन पुनरीक्षित वेतन ग्रेड अब्लिक लेवन में किया गया है वह अंतरिम है। मैं वचन देता हूँ या देती हूँ कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में अनियमितता के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान की गई है, शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा या करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देश स्वामित्वों से जिनमें पेंशन ग्रेजुएटी एवं अवकाश नकदीकरण की राशि भी सम्मिलित है काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता हूँ या अब्लिक देती हूँ कि यह उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता हूँ या रहती हूँ तो इस देय राशि की वापसी के लिए मैं अपने उत्तराधिकारियों निष्पादकों प्रतिनिधियों और समानुदेशियों को अवध
करता हूँ या करती हूँ कि मैं यह भी सहमति देती हूँ या देता हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व के बकाया रूप में वसूल कर ली जावे। तो इस प्रकार का आपको वचन पत्र जो है तृतीय समयमान वेतनमान को प्राप्त करने के लिए इस प्रारूप में भरकर कि जमा करना। तो आइए साथी, इस प्रकार की जानकारी हमारे चैनल द्वारा हमेशा इसी प्रकार के नए नए आदेश नए नए नियम की जानकारी देते रहेंगे।